हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और ये लेक्चर आपका एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में है, दैट इज एक्सक्लूसिव कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर दिल्ली हाई कोर्ट जजेस। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट जजेस के लिए कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की है इन अशोका होटल। अब ये न्यूज़ जो है वो इंटरेस्टिंग क्यों है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये तो आपको आगे पता चल जाएगा। प्लस ये इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्यों है इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर्स, अर्थ साइंसेस, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इनमें से किस मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करती है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नहीं पता है तो आप वीडियो को देखिए और लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है, किस एक्ट के अंदर है ये? जैसे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, या कोविड का जो लॉकडाउन लगा हुआ है, या हमारी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लॉक्ड होती है, ये किस सेक्शन या किस एक्ट के अंदर लॉक होता है ये लॉकडाउन, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको आइडिया है तो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। दिल्ली, ये मैंने ली है इंडियन एक्सप्रेस की क्लिप। दिल्ली स्क्रैम्बल्स फॉर बेड्स, हाई कोर्ट गेट्स अशोका होटल एज इट्स ओन कोविड फैसिलिटी। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं ये बेसिकली है क्या, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, हैज़ ऑर्डर्ड दैट 100 रूम्स एट अशोका होटल, आ 5-star फैसिलिटी है इस अशोका होटल में। इस अशोका होटल में 100 रूम्स प्रोवाइड किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस के लिए, ठीक है। दिल्ली जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। ये जो अशोका होटल है वो कहाँ पे है, दिल्ली चाणक्यपुरी में है, ठीक है। सेट अप एज कोविड केयर फैसिलिटी, ये होटल है। आपको पता है कि होटल्स को कोविड फैसिलिटी के लिए कोविड हॉस्पिटल में बदला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जजेस, जुडिशियल स्टाफ जो हाई कोर्ट के हैं और उनकी फैमिलीज के लिए, ठीक है। इसमें 100 रूम्स होंगे। ओके, द फैसिलिटी विल बी लिंक्ड टू प्राइमस हॉस्पिटल इन द चाणक्यपुरी। अब ये जो होटल को हॉस्पिटल में बदला जा रहा है ना, तो ये जो होटल है ना, ये किसी ना किसी हॉस्पिटल से लिंक्ड है। तो ये जो होटल है, ये आपका अशोका होटल, ये लिंक्ड होगा प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में जो है उससे, ठीक है। ओके, अब एन ऑर्डर ऑफ दिस इफेक्ट इशूड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो चाणक्यपुरी के हैं, उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया है, ठीक है। गीता ग्रोवर, इन्होंने किया है ऑन कब, 25 अप्रैल, आफ्टर अ रिक्वेस्ट वॉज रिसीव्ड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक रिक्वेस्ट रिसीव की गई थी, उसके बाद ये जो होटल है उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है फॉर दिल्ली हाई कोर्ट जजेस एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। ओके, अब इट कम्स व्हेन फैमिलीज ऑफ कोविड पेशेंट्स अक्रॉस द नेशनल कैपिटल आर स्क्रैम्बलिंग टू बेड एंड एक्सेस टू हॉस्पिटल केयर्स। यहाँ पे ये सब चीज़ तब हुई है जब कोविड पेशेंट्स इंडिया में इतने बढ़ गए हैं, नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है और ऑल ओवर द इंडिया जो बेड्स हैं उनकी स्कैरसिटी है, हॉस्पिटल केयर की स्कैरसिटी है, ऑक्सीजन कम मिल पा रही है। तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है, हाई कोर्ट ऑब्जर्व्स इटसेल्फ एज has made several observations, इन्होंने बोला है सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को ये जो इशू है उसको हाईलाइट किया है, कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसको सुनकर इन्होंने ये जो सेंटर है और दिल्ली गवर्नमेंट है उनको बोला है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है यहाँ पर। 22 अप्रैल को व्हेन डीलिंग विथ द इशू ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, जस्टिस विपिन सांघी जो हैं, ऑनरेबल जस्टिस विपिन सांघी, इन्होंने ऑब्जर्व किया है इट इज़ फोरफोल्ड इंक्रीज इन केसेस में 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस इंडिया में, नॉट गेटिंग बेड्स, और लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। फॉरगेट अबाउट द ऑर्डिनरी मैन, यहाँ पे इन्होंने खुद बोला है कि जो ऑर्डिनरी मैन है उनके बारे में तो छोड़ ही दीजिए, इवन जब मैंने भी बेड के लिए सोचा, मैंने पूछा तो मुझे भी वो ईजिली नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये हालत है ऑर्डिनरी मैन की, इवन पूरे के पूरे कंट्री की। उस टाइम पर यहाँ पर दिल्ली रिकॉर्डेड
20,000, ये मंडे की बात है, दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया। मतलब ये इसमें एक दिन में जो केसेस हैं वो 20,201 केसेस हैं, विथ पॉजिटिविटी रेट 35%, ठीक है, और 380 डेथ। ये तो गवर्नमेंट का, ये जो गवर्नमेंट ने बताया वो डेटा है, बाकी केसेस इससे भी, आपको भी पता है, इससे ज़्यादा ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इतनी प्रॉब्लम है अभी देश में, उस टाइम पर ये ऑर्डर पास करना कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस होंगे और उनकी फैमिली होगी, उनके लिए एक होटल है, उसको हॉस्पिटल बनाया गया, और उनके लिए ही उसमें फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। आप इस पर बताइए, यहाँ पे दो तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं। एक तो ये है कि इसके फेवर में ये चीज़ आ जाती है कि अगर जजेस ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर वो अपना वर्क किस तरह से कर पाएंगे। दूसरा ये बात भी आ जाती है कि जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं उतने में, अगर हाई कोर्ट के लिए फेवर होगा तो फिर जनरल पब्लिक का कौन सोचेगा। अगर जिन लोगों को खुद एक तरह से लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, वही अगर इस तरह से उनके साथ ऐसा होगा तो फिर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। ओके, तो आप बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। दोनों चीज़ें हैं, अगर हाई कोर्ट को ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में। अब गीता ग्रोवर कन्फर्म्स द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, ये ऑर्डर पास हो चुका है और इसमें एक वीक लगेगा एंटिल एंड ऑफ द वीक ये जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ऑपरेशनल होने में, मतलब कि ये हॉस्पिटल बनने में, होटल को एक वीक लगेगा। इस वीक के लास्ट तक ये फैसिलिटीज़ ऑपरेशनल हो जाएंगी। इट विल बी ओनली फॉर जजेस, ये जो होटल होगा वो अशोका होटल, वो सिर्फ जजेस के लिए होगा, हाई कोर्ट के स्टाफ के लिए होगा, उनकी फैमिलीज़ के लिए होगा, एज हम मेंशन किया गया है ऑर्डर में। ओके, अब अशोका होटल इज़, अब अशोका होटल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अशोका होटल इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का है अशोका होटल, ठीक है, इसको ऑपरेट करता है और ओन्ड बाय ये ITDC। अब इसका मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। ITDC हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइंड अ प्राइवेट प्लेयर, अब इसको ये देने के लिए प्राइवेट प्लेयर, किसी प्राइवेट को किसी को देना चाहते हैं जो कि इसको ऑपरेट करे और कुछ टाइम के लिए इसको देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट अपनी जो चीज़ है उसको किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट पर्सन को जो इसकी टेक केयर कर सके उनके लिए देता है, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। ओके, अब इस ऑर्डर की हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। द प्राइमस हॉस्पिटल विल रन द कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी एट अशोका होटल। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो प्राइमस होटल है ये पूरा का पूरा कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अशोका होटल में, ठीक है। मतलब कि इस अशोका होटल में बेड्स लगा दिए जाएंगे और ये कनेक्टेड होगा किससे, इस हॉस्पिटल से जो इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, अब यहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट आ रहे हैं उनका डिस्पोजल कौन करेगा, विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो हॉस्पिटल होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की होगी, होटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। स्टाफ ऑफ द होटल विल बी प्रोवाइडेड विथ ऑल प्रोटेक्टिव गियर्स, अब होटल का कुछ स्टाफ भी होता है, उसका जो स्टाफ है ना होटल का, उनको प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाएंगे, उनको गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो आपको किस तरह से डील करना है, ठीक है, बेसिकली इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, अब एम्बुलेंस फॉर ट्रांसफर फैसिलिटी, ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए एम्बुलेंस भी होगी, विल बी प्रोवाइडेड विद प्राइमस कैंप जो हॉस्पिटल है उसमें, ठीक है। अब देखिए ये होटल है, इसमें बेड्स हो गए तो मॉडरेट लेवल के जो पेशेंट होंगे उनका तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट जो क्रिटिकल कंडीशन है ऑक्सीजन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन और क्रिटिकल कंडीशन जैसे कि ICU वगैरह है तो वो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए ये जो है इस हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है। और जो एम्बुलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी है वो भी ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। ओके, इफ देयर इज एनी शॉर्टेज इन द होटल स्टाफ, अब अगर होटल होटल का कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ होता है, अगर उसमें कुछ शॉर्टेज होती है तो ये जो आपका स्टाफ है उसको अरेंज करने का काम है हॉस्पिटल का, ठीक है। तो अरेंज करेगा या प्रोवाइड करेगा स्टाफ कौन, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ही सारा काम है। होटल को आपने हॉस्पिटल बना दिया, अब हॉस्पिटल में जितने वर्कर हैं जितने स्टाफ हैं तो उनको ट्रेनिंग देने का काम भी इस हॉस्पिटल का ही है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट उनका डिस्पोजल करने का काम हॉस्पिटल का है,
एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का काम हॉस्पिटल का है, ठीक है। इसके बाद अगर शॉर्टेज है स्टाफ की तो उसको देने का काम भी हॉस्पिटल का ही है, ठीक है, ओके। इसके बाद ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग रूम्स, हाउसकीपिंग, डिसइंफेक्शन एंड फूड एंड पेशेंट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द होटल। अब देखिए होटल का जो स्टाफ होगा, जैसे होटल सबको रूम प्रोवाइड कर रहा है तो होटल के रूम होंगे तो रूम प्रोवाइड कर देगा। हाउसकीपिंग, जैसे होटल के जो स्टाफ होता है वही करते हैं हाउसकीपिंग का काम, तो वही करेंगे, उनको सिखा दिया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से ट्रीट करना है पेशेंट है तो। डिसइंफेक्शन ये काम करना इन ये बता इनको होगा, मतलब ये जो स्टाफ है उसी को दिखा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। उसके बाद फूड एंड फॉर पेशेंट, पेशेंट को फूड भी ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम होटल का होगा, ठीक है, जो होटल का काम होता है बेसिकली वही इनका काम है। चार्जेस शैल बी कलेक्टेड बाय द हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल शैल मेक पेमेंट टू द होटल। अब क्या है, जो कोविड पेशेंट है ना उनसे चार्जेस लिए जा रहे हैं, जैसे फाइव स्टार होटल में उनसे 5,000 पर बेड चार्ज हो रहा है, ठीक है, पर पर्सन 5,000, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है, 4-5,000, तो 5,000 अगर चार्ज है, ठीक है, एक पर्सन से, तो वो कौन कलेक्ट करेगा, हॉस्पिटल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हॉस्पिटल से कलेक्ट करेगा। उसके बाद अपना कुछ परसेंटेज लेने के बाद ये ही होटल को पे करेगा, क्योंकि होटल में बेड मिल रहे हैं ना इनको, तो होटल के पास भी जाएगा कुछ पेमेंट, तो यही हॉस्पिटल उनको पे करेंगे, ओके। उसके बाद हॉस्पिटल में एकोमोडेट देयर ओन डॉक्टर्स। अब हॉस्पिटल यहाँ पे अपने डॉक्टर्स को एकोमोडेट कर सकता है, नर्सेस को कर सकता है एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ एट देयर ओन एक्सपेंसिव आफ्टर जो डिसाइडिंग द रेट्स म्यूचुअली। अब मैंने ये बताया कि ये जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट से जो पैसा है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब पैसा कलेक्ट करने के बाद ये होटल को देंगे। अब यहाँ पर ये चाहें तो अपने कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं, नर्सेस को रख सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को रख सकते हैं। अब ये किस तरह से करेंगे, या तो इसमें से कुछ पैसा इनको देने वाले हैं ना, जितना भी म्यूचुअली डिसाइड हो गया है, तो उस एक्सपेंसेस में से कुछ कम करके तो इनको दे देंगे, मतलब कि अपना अपना इन इन ये जो डॉक्टर्स को फैसिलिटी देने का काम तो हॉस्पिटल का है, तो इसमें से कम पैसा ये रख लेंगे हॉस्पिटल वाले, होटल को ज़्यादा दे देंगे, मतलब इनका पैसा या तो ये अलग से दें या फिर इसी पैसे में से कट करके दे दें, ओके, ठीक है। अब दिनेश कुमार मीना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो न्यू दिल्ली के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इज डायरेक्टेड टू कोऑर्डिनेट विथ द प्रेमिस हॉस्पिटल। ये इस हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड होटल अथॉरिटीज, जो होटल अथॉरिटीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे फॉर सेटिंग अप ऑफ CVC CHC फैसिलिटीज, जो कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये जो है दिनेश कुमार मीना जी, ये जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिल्ली हाई कोर्ट के, ये इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ओके। तो ये है बेसिकली हाइलाइट्स इस ऑर्डर की। अब मैं आपको ये ऑर्डर भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे ये ऑर्डर है। देखिए ये जो ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। गीता ग्रोवर इंसिडेंट कमांडर SDM, ठीक है, सब डिवीज़न इन्होंने ही दिया है, ठीक है, ये आपकी गीता ग्रोवर जो है इन्होंने ही दिया है। चाणक्यपुरी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म आर्ट, ये सब आपका, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा है आपका ये ऑर्डर, ये ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर, इसी के हाइलाइट्स मैंने वहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये किसके अंडर आता है, तो ये डिजास्टर, देखिए ये सेक्शन 30 जो है आपका ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, रीड विथ सेक्शन 34 सेड एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू परफॉर्म सच फंक्शंस एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में आपका जो लॉकडाउन होता है या बाउंड्री वगैरह होती है, वो सब इसी के अंडर होती है, ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके ओके। तो यहाँ पे ये ऑर्डर था बेसिकली, तो ऑर्डर आप देख सकते हैं। बाकी अब हम देखते हैं इस ITDC के बारे में, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है, देखिए ये है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, ओके। इट ओन्स ओवर 17 प्रॉपर्टीज अंडर द अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स ब्रांड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये 17 प्रॉपर्टीज अंडर द अशोका ग्रुप, ठीक है, अशोका ग्रुप है, उसमें 17 प्रॉपर्टीज ओन करती है, ओके। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी
रिटेल एंड एजुकेशनल कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है। 87% जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है एज ऑन 31 मई 2019। ओके, तो ये बेसिकली इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1966 में, ठीक है। ओके, ये हमने इसके बारे में जाना। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था अभी तक आपको इसका आंसर आराम से मिल गया होगा। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हमने इसी के बारे में देखा था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लस आप अपना क्या राय है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके जो भी ओपिनियन है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।